राजस्थान के बारा छिपाबडोद विद्या भारती द्वारा संचालित सुशीला देवी आदर्श विद्या मंदिर छिपाबडोद में आज अखंड भारत दिवस धूमधाम से मनाया गया। उत्सव जयंती प्रमुख अंजलि प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि आज की प्रातःकालीन वंदना सभा में भारत माता की झांकी बनाकर 21 दीपक जलाकर आरती की गई। सभी भैया बहनों व आचार्य दीदियों ने आरती में भाग लिया। उन्होंने बताया कि अखंड भारत दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन 14 अगस्त को भैया बहनों का अवकाश होने के कारण ये पावन दिन 13 अगस्त को ही वंदना सभा में मनाया गया। प्रचार प्रमुख मेघराज नागर ने अखंड भारत दिवस की जानकारी देते हुए बताया कि भारत का जो आज हम स्वरूप देखते हैं वो खंडित रूप में देखने को मिलता है। हम सब भारतवासी अपने मन में ये संकल्प सजोए कि हम पुनः अखंड भारत में मिलें। 1857 से 1947 तक हिंदुस्तान के कई टुकड़े हुए और इस तरह बन गए 7 नए देश। 1947 में बना पाकिस्तान भारतवर्ष का पिछले 2500 सालों में एक तरह से 24वां विभाजन था। आज तक किसी भी ऐतिहासिक की पुस्तक में इस बात का उल्लेख नहीं मिलता है। पिछले 2500 सालों में हिंदुस्तान पर जो अटैक हुए उनमें किसी भी आक्रमणकारी ने अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव या बांग्लादेश पर आक्रमण किया हो। पाकिस्तान व बांग्लादेश निर्माण का इतिहास सभी जानते हैं, पर बाकी देशों के इतिहास की चर्चा नहीं होती। हकीकत में अखंड भारत की सीमाएं विश्व के बहुत बड़े भूभाग फल तक फैली हुई थी। अब हम सब देशवासियों का कर्तव्य बनता है कि हम भारत को पुनः अखंड भारत बनाने में कोई कसर ना छोड़ें। सुशीला देवी आदर्श विद्या मंदिर छिपाबडोद में अखंड भारत दिवस पर भारत माता की झांकी बनाकर 21 दीपों को के साथ आरती संपन्न की गई, जिसमें सभी आचार्य दीदी भैया बहन संपन्न हुए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।